हम लोग सेकेंड फाइव ईयर प्लान तक पढ़ चुके थे, ये थर्ड फाइव ईयर प्लान है। थर्ड फाइव ईयर प्लान में आप लोग इसलिए जरूर याद रखिए, ये ईयर्स 1961 से 1966 तक, ये ईयर थर्ड फाइव ईयर प्लान, इसका इनिशियल ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट लाना है। पर क्या हुआ था, इंडिया और चाइना का वार हो गया 1962 में इंडिया और चाइना का वार हो गया। उसका इंडिया तो रियलाइज हुआ कि हमें सेल्फ रिलायंस और डिफेंस इंडस्ट्री पे वर्क करना चाहिए, तो इंडिया उसमें, चाइना उसमें जीत गया, इंडिया की हार हुई। तो इंडिया तो रियलाइज हुआ कि हमें सेल्फ रिलायंस और डिफेंस इंडस्ट्री पे और वर्क करना चाहिए। इस मॉडल का नाम था सैंडी सुब्रमण्यन मॉडल। क्या हुआ, 1962 में चाइना का वार हो गया, चाइना के साथ वार हो गया जिसमें चाइना जीत गया, इंडिया की हार हुई। तो पाकिस्तान तो ये बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान तो ये लगा कि इंडिया हार गया, तो पाकिस्तान भी उस टाइम से प्लानिंग करने लगा कि मैं भी इंडिया के साथ वार करता हूँ और मैं भी जीत जाऊँगा ये वार। हो बाद में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ वार भी किया और पाकिस्तान हार गया, ठीक है, वो हमारा आधे है। उसके बाद 1964 में बता रहे हो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का स्थापना हुआ झारखंड में रशिया की मदद से, यूएसएसआर की मदद से। 1964 में IDBI बैंक का डेवलप फाउंडेशन रखा गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इससे क्या था कि जो भी लोन इंडस्ट्री के लिए जो भी लोन लेना पड़ता था इसी से लेना सबसे बेस्ट माना जाता था उस टाइम पे, तो इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट ये IDBI तो माना जाता था उस लोन लेने के लिए। उसके बाद 1964 में UTI का गठन हुआ, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इस तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, एक पार्ट बन गया बैंक, दूसरा पार्ट बन गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड 2003 में बना और बैंक जो बना 2007 में बना। इसका अगर नाम देते तो 2007 में एक्सिस बैंक के नाम से ये जाना गया। 1965 में FCI का गठन हुआ, FCI मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हमें तो पता ही है कि एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, तो जो जैसे गहूँ हुआ जिस सप्ताह स्टोरेज था वहाँ पर होगा, तो स्टोरेज के लिए FCI का गठन हुआ, तो जो भी फूड का जो भी एग्रीकल्चर से फूड बनेगा उसको हम लोग स्टोर कहाँ करेंगे, तो FCI की मदद से हम लोग जहाँ पे स्टोर किया जाए दोस्तों, FCI उसका ध्यान रखेगा। जैसे 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ, इंडिया और चाइना का जब वार हुआ था तभी इन पाकिस्तान सोच रहा था कि मैं भी इंडिया से वार करता हूँ और मैं भी जीत जाऊँगा, लेकिन उसमें पाकिस्तान की हार भी और इंडिया जीता। पर इंडिया जीत तो गया, पर इंडिया तो वार में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया, बहुत वार के बाद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ गया, क्योंकि पैसा सारा वार में लग गया, जो भी सब कुछ टूट फूट गया। वार की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जो जीता उसको भी नुकसान होता है और हार करने वाले तो नुकसान होता ही है। तो फिर इसका उपाय निकाला था, डिवेल्यूएशन हुआ, सेकंड डिवेल्यूएशन हुआ। ये पहला एक बार हो चुका था, पहला 1949 में हुआ था, दूसरा 1966 में हुआ, तीसरा 1991 में, ये पाकिस्तान वाला है, ठीक है, ये पाकिस्तान वाला हुआ। तीन बार अभी तक डिवेल्यूएशन हो चुका है हमारे करेंसी का। डिवेल्यूएशन पहले होता क्या है वो हम लोग समझते हैं, तो डिवेल्यूएशन का मतलब होता है $8 का मतलब आप निकालिए, $8 इक्वल टू अगर 60 रुपीज हुआ तो अब डिवेल्यूएशन के बाद $8 इक्वल टू 65 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप तो बोलोगे कि करेंसी का तो बढ़ रहा है, 60 से 65 हो रहा है, लेकिन आप यही एक एग्जाम्पल है थोड़ा समझिए कि आप तो डेयरी मिल्क खरीदने चले गए, तो डेयरी मिल्क आप एक डेयरी मिल्क अगर आप 60 रुपये में खरीद रहे हैं, अब वही एक डेयरी मिल्क आप तो 65 रुपये में खरीदना है, तो 5 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है उसी क्वान्टिटी के लिए, आप तो 5 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही ना, ये तो इसी तो डिवेल्यूएशन बोलते हैं। तो तीन बार डिवेल्यूएशन हो गया। डिवेल्यूएशन क्यों किया इंडिया ने, डिवेल्यूएशन इसलिए दिया क्योंकि एक्सपोर्ट तो बढ़ाया जा सकते, बाहरी इंडस्ट्री इंडिया में आए और कम दाम में ज़्यादा चीज़ लेते जाए, यहाँ के लोग तो भी फायदा होगा और बाहरी वाले लोगों तो भी फायदा होगा, इसके लिए डिवेल्यूएशन इंडिया ने किया था। यही हुआ, डिमांड ज़्यादा बढ़ा क्योंकि सब पैसा कम पैसे में ज़्यादा चीज़ मिल रहा था, तो सप्लाई तो बढ़ाना था, तो सप्लाई के लिए इम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लोग तो हायर किया और सप्लाई बढ़ा तो लोगों के हाथ में पैसा आया, तो इन्फ्लेशन बढ़ा, ठीक है, सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, अभी हमारा मेन मोटो है फाइव ईयर प्लान, तो मैं फाइव ईयर प्लान से भटकना नहीं चाहता हूँ। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा, बेसिक आप तो पता भी होगा, ठीक है। उसके बाद प्लान हॉलीडे हो गया, जो प्लान हॉलीडे क्यों हो गया, क्योंकि थर्ड फाइव ईयर प्लान जो था उसका फेल्यूर की वजह से प्लान हॉलीडे हो गया। प्लान हॉलीडे तब से तब तक था, 1966 से 1969 तक प्लान हॉलीडे था, मतलब इसमें कोई प्लान लाइन नहीं लागू किया गया उस टाइम पे, ये नहीं इस तरह लगा कि थर्ड फाइव ईयर प्लान था बहुत ज़्यादा फेल्यूर हो गया था। थर्ड फाइव ईयर प्लान था क्यों फेल्यूर हो गया था, तो इंडिया और चाइना का वार हुआ, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान दो वार, इसमें आप तो जानते हैं कि वार में कितना पैसा चला जाता है, कितना रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो वही रैथ ऑफ रिसोर्सेज देखिए आई गया। उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा वो मैं यहाँ पे आप तो समझा चुका हूँ कि लोगों के हाथ में पैसे आ गए, लोगों के पास हाथ में पैसे क्यों आए, क्योंकि बाहरी इंडस्ट्री यहाँ पे सामान खरीदना चाहते थे, यहाँ पे ये लोग प्रोडक्शन इंक्रीज किया, उस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। हाँ, तो थर्ड फाइव ईयर प्लान हो गया था।
अब हमारा आया फोर्थ फाइव ईयर प्लान। फोर्थ फाइव ईयर प्लान तब से तब तक था 1969 से 1974 तक था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉवर्टी हटाना है, ग्रोथ लाना है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना है इंडिया में, ये था। ठीक है, इसमें मॉडल था, क्या नाम था? रुद्रा एल एन मॉडल। 14 बैंक तो नेशनलाइज किया गया 19 जुलाई तो 1969 तो 14 बैंक तो नेशनलाइज किया गया। उसमें ये सारे बैंक थे, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक, ये सारे था नेशनलाइज किया गया। यह न्यूज़पेपर था 13 जगह, टाइम्स ऑफ इंडिया था उस दिन 1969 19 जुलाई, तो ये न्यूज़पेपर में आया था 20 जुलाई नहीं, यहाँ पे अगर अनाउंसमेंट 19 तो ही हो गया था, पर पेपर में 20 तो आया था एक दिन बाद। उसके बाद 1969 में लीड बैंक प्लान लाया गया। लीड बैंक प्लान तो आप समझ लीजिए जोनल बैंक, मतलब एक बैंक है उसके नीचे वो डिस्ट्रिक्ट के सारे बैंक तो हैंडल करेगा, ऊपर वाला बैंक ये तो ऊपर वाला बैंक है, अब नीचे वाले ये ऊपर वाला बैंक है, वो नीचे वाले बैंक जो है उस सब तो ये हैंडल करेगा। ये हो गया मेन बैंक और इसके नीचे हो गया ये, तो लेड बैंक का प्लान लाया गया था 1969 में। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का दोबारा वार हुआ, एक बार तो वार हो चुका था थर्ड फाइव ईयर प्लान में, तो इस बार वार क्यों हुआ इसे हम समझते हैं। ये देखिए, ये पाकिस्तान जो था और बांग्लादेश जो था वो पहले एक साथ था, और ये इंडिया था विभाजन के टाइम पे, जब हमारा इंडिया डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी पाकिस्तान का ही राज था, पर बांग्लादेश इंडिया के पास आया और बोला कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, वो इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता था, पाकिस्तान से हटना चाहता था, तो इंडिया के पास आया और इंडिया तो बोला कि आप मेरी मदद करिए, इंडिया बोला ठीक है मैं आपकी मदद करूँगा, तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान का वार होना शुरू हो गया। पाकिस्तान देखा कि इंडिया मदद कर रहा है बांग्लादेश का, तो पाकिस्तान इंडिया पे भी मिसाइल छोड़ना ये सब करना, वार करना, पाकिस्तान और इंडिया का भी वार मतलब समझ लीजिए शुरू हो गया। तो फिर बांग्लादेश में क्या था कि बांग्लादेश में यूएसए और यूके पे कुछ लोग फंसे हुए थे, तो यूएसए और यूके वाले जो लोग थे फॉरेन एक्सचेंज वाले, फॉरेन वाले, वो लोग यही बोले थे हमारे आदमी हो तुम से तुम आने दीजिए, आप लोग अपना वार चालू रखिए, हमारे आदमी तो आने दीजिए। बाद में वो इंडिया के पास भी गए और इंडिया तो बोले थे आप वार बंद कर दीजिए, हमारे लोग तो आने दीजिए, लेकिन इंडिया मना कर दिया, इंडिया ये चीज़ से मना कर दिया और वार चलता रहा। तो फिर वो यूएसए और यूके वाले चले गए पाकिस्तान के पास और उन्होंने बोला कि हम आपका सपोर्ट करेंगे इंडिया के वार करने में, तो वो पाकिस्तान का सपोर्ट करने लगे इंडिया के साथ वार में। उसके बाद इंडिया गया रसिया के पास और इंडिया ने रसिया से मदद लिया, और फिर रसिया के साथ मदद लेते इंडिया वापस से पाकिस्तान पे वो वार करना शुरू कर दिया, तो इस तरह से वार ख़त्म हुआ, वरना ये वार चलता ही रहता। हाँ, तो यही मैंने यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट वाइज लिखा है कि बांग्लादेश आया इंडिया के पास, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता था, तो बांग्लादेश ने इंडिया के पास आया, इंडिया ने मदद करने के लिए हाथ कर दिया, फिर पाकिस्तान अटैक किया बांग्लादेश पे, पाकिस्तान देखा कि इंडिया हेल्प कर रहा है तो इंडिया पे भी अटैक करना शुरू कर दिया, फिर बांग्लादेश में कुछ यूएसए और यूके के लोग फंसे हुए थे तो वो चाहते थे उनके लोग वापस आ जाएँ, तो लेकिन नहीं हुआ, तो वो पाकिस्तान का सपोर्ट करने लग गए तो यूएसए और यूके वाले, तो फिर इंडिया जैसे दया रसिया के पास और रसिया अपना मिसाइल्स देखिए, ये रसिया अपना उसको जेट दिया, रॉकेट दिया, सबमरीन लिया और उससे जाते फाइट स्टॉप हुआ, वरना इंडिया पाकिस्तान का फाइट चलता ही रहता।